जय जिनेंद्र, प्रणाम। एक ऐसी प्रतिमा जी जिसको 9 अलग अलग हिस्सों में खंडित किया गया, यानी 9 अलग हिस्सों में विभाजित किया गया, पर एक दैविक शक्ति से, एक चमत्कारिक शक्ति से वह प्रतिमा जी वापस जुड़ जाती है। जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। श्री नवखंडा पाशुनाथ तीर्थ स्थल। आज से अंदाजन 900 वर्ष पहले इस तीर्थ की प्रतिष्ठा हुई थी। जब भारत के इतिहास में कुछ ऐसे राजाओं का शासनकाल चल रहा था कि उनके शासन में सभी मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब उस समय इस प्रतिमा जी को भी खंडित किया गया था। इस प्रतिमा जी को 9 हिस्सों में खंडित किया गया था। फिर वहाँ के एक श्रावक को स्वप्न आया कि यदि इस प्रतिमा जी के हिस्सों को 9 मन जितने लापसी में रखा जाए, आज एक मन यानी 37 किलो होता है, तो उस समय 9 मन जितने लापसी में प्रतिमा जी के हिस्सों को 9 दिन तक रखा जाए और 9 दिन तक यदि कोई प्रतिमा जी को ना देखे तो प्रतिमा जी वापस पहले के जैसी जुड़ जाएगी। अधिष्ठायक देव से अदृश्य प्रेरणा पाकर शावकों ने उन हिस्सों को लापसी में रखा, जिससे कि प्रतिमा जी वापस ज्यों की त्यों बन गई। लेकिन किसी श्रावक ने 9 दिन की जगह 8वें दिन पर ही प्रतिमा जी को देख लिया, जिससे कि 9 जगहों पर निशान कायम रहे, जो आज भी विद्यमान है। और उस दिन से भक्तगण इस प्रतिमा जी को नवखंडा पाशुनाथ कहने लगे। माना जाता है कि इस प्रतिमा जी द्वारा आज भी चमत्कारी दृश्य देखने को मिलते हैं। यह तीर्थ गुजरात के भावनगर से 19 किलोमीटर की दूरी पर गोगा बंदर गांव के वहां स्थित है, तो आप इसके दर्शन के लिए अवश्य पधारिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो, और हमारे इस आइकन पर क्लिक करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, ताकि हमारे आगे आने वाली और भी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। प्रणाम। जय जिनेंद्र।